बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज जो है वो 29 सितंबर 2024 है और आज जो है वो मैंने आप लोगों को लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन अपडेट के बारे में बताना है, क्योंकि हम लोग जो है वो ये जो चैंपियंस कप हो रहा है इसमें भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, कभी उस उधर की फुटेज कभी इधर की। तो लेकिन हमारी जो है वो मेरी जो है वो पर्सनल कोशिश होती है कि अपने नाजी ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पे जो है मैं लेटेस्ट तरीन जो है वो अपडेट डाला करूं और अपने व्यूवर्स को बताया करूं। तो आज जो है हमने लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की बात करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नाजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। नाजिश ऑफिशियल, क्रिकेट का जुनून। देखिए जी, बात यह है कि 29 सितंबर 2024 की लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं शुरू से लेकर के जब उसकी बेसमेंट की जो है वो 15 से 20 फिट की जो खुदाई की गई, उसके बाद उस पर सारा स्टील वर्क आया, उसके बाद सारा गंद निकाला गया, फिर स्टील वर्क, उसके बाद बीम वर्क, उसके बाद कंक्रीट भरी गई और अब जो है वो माशाल्लाह जो है वो ग्राउंड से भी तो ऊपर जा चुकी है सरिये, और जो है वो अब सूख भी रहे हैं और वाटर टैंक पे भी काम हो रहा है और हर चीज़ आपको बता दी। लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी तो हमने आप लोगों को बताया था कि दो इंक्लोजर जो है वो तोड़े जाएंगे और दो पे काम होगा, लेकिन जो है वो साथ के साथ जो है वो 3D मॉडल जब इसका शुरू हुआ है लाहौर गद्दाफी स्टेडियम का, तो उसमें जो है वो चेंजेस भी आती रही। तो अब जो है वो उन्होंने तमाम इंक्लोजर जो है वो तोड़ दिए गए हैं। ठीक है जी, आज जो है वो हमें एक अपडेट पता चली कि आज जो है वो एक जो पिलर्स होते हैं जिसे हम पिलर जो स्टील के होते हैं, तस्वीर में आप लोगों को शो कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये जो तस्वीर है इसको जो कहते हैं स्टील के पिलर, जो ये पिलर जो हैं वो आए गए हैं और इस पर जो है वो तमाम सवालात उठ रहे थे जी, ये क्यों आए हैं, क्या इसी पे बनेगा। तो अभी जो है वो सिर्फ उन्होंने जो है वो जो मंगवाया है वो इस वजह से मंगवाया है क्योंकि जो है वो अब उस पर खड़ा करके देखेंगे कि ये सही बैठ रहा है, तमाम जो ऊपर के जो इंक्लोजर के जो ऊपर की छतें हैं वो इस पर बैठ रही हैं सही या नहीं, वो एक बना के देखेंगे छोटा सा। अगर तो वो कामयाब हुआ तो वो ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं, क्योंकि अगर हम और बात कर लेते हैं मेट्रो स्टेशन वगैरह के तो तब में जो है वो ये स्टील वर्क काम हुआ हुआ है, बेस में भी स्टील का काम हुआ है, तो बहुत सख्त जो है वो और बेहतरीन काम जो है वो हुआ हुआ है। तो अगर ये स्टील का भी कर लेते हैं तो बेस्ट है, लेकिन जो है वो उनको जो मजीद PCB को और हमारे चेयरमैन साहब को जो भी बेहतर जिस तरह का बेहतर होगा वो उसी तरह का बनाएंगे। तो अभी जो है वो चेक हो रहा है, आज जो है वो जो तमाम जो पिलर्स आए हैं उसको चेक करेंगे कि क्या जी ये एक हम स्टैंड जो बना रहे हैं ये सही है, इसमें होना चाहिए, लगना चाहिए या कोई और हिकमत अमली होनी चाहिए। तो आज जो है वो ये है, अब देखते हैं वो लगाते हैं क्या बनता है। जो जैसे मेरे पास मजीद लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आप लोगों के सामने जो है वो शेयर करूंगा। तो ये जो है वो आज की ताज़ा तरीन अपडेट यही थी लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की, तमाम इंक्लोजर जो है वो डिमोलिश कर दिए गए हैं। ठीक है जी, सिर्फ जो है वो जो LED वाली जगह है उसको नहीं तोड़ा गया अभी तक, बाकी जो है वो ना LED सारी गई हैं, बाकी जो है वो पूरा काम जो है वो जोर शोर से जारी है। और जो है वो अब जो बाउंड्रीज हैं जो चौके की उससे जो पीछे की जो भी सर्कल उन्होंने खोदा था उस पर भी जो है वो काम होना शुरू हो रहा है। तो जैसे जैसे जो है वो लेटेस्ट अपडेट होगी मजीद लाहौर गद्दाफी स्टेडियम, क्योंकि ICC चैंपियन ट्रॉफी का मेला जो है वो पाकिस्तान में सजेगा और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो है वो ये मेला सजना है और क्रिकेट के बहारें जो हैं वो पाकिस्तान में लगेंगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।